अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अकमल आपकी खिदमत में फिर से हाजिर। और जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करें, इससे पहले हम एडजेक्टिव को डिस्कस कर चुके और वर्ब्स को डिस्कस कर चुके, नाउन को और प्रोनाउंस को डिस्कस कर चुके। आज हम डिस्कस करेंगे कर रहे हैं एडवर्ब को। और एडवर्ब, जैसे कि मैंने एडजेक्टिव में बताया था, एडवर्ब क्या करता है, वर्ब के मानी में ऐड करता है, यानी कि जो मानी वर्ब का है, वर्ब जो फंक्शन आप कर रहे हैं, जो काम होता है, जो फेल होता है, उसकी डिटेल बताता है कि वो काम किस तरह से सर अंजाम पाता है। आमतौर पर जो एडवर्ब्स हैं वो आपके वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मेनी टाइम्स जैसे सवालों का जवाब देता है, यानी कि आपने ये कैसा किया, कैसे किया, तो आप उसका जवाब देते हैं, ऐसे किया, कहाँ किया, उसका जवाब देता है, कब किया, इस तरह के सवालों का जवाब देता है। आमतौर पर जो एडवर्ब्स हैं वो आपको एल वाई पर ख़त्म हो रहे होते हैं, जैसे स्लोली, सडनली, इम्पेशेंटली, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं इनको आमतौर पर एडवर्ब कहा जाता है। और एडवर्ब जो है वो वर्ब के मानी में ऐड करता है, जैसे कि मैंने बताया। मैं अभी यहाँ पर एक फिक्रा लिखूंगा, और मैंने पहले पांच मेजर टाइप्स मैंने लिख दी है कि इन पॉसिबल टाइप्स में आपको एडवर्ब यूज़ होता है, और मैं कोशिश करूंगा एक ही सेंटेंस में तमाम पॉसिबल जो उसके टाइप्स हैं उनको डिस्कस कर दी जाए ताकि आपको समझ आ पाए। मैं कहता हूँ अस्मा सिंग्स, सेंटेंस तो यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अगर मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दूँ और कोई भी चीज़ ना लगाऊँ तो सेंटेंस तो मुकम्मल हो गया, अस्मा सिंग्स, राइट। लेकिन अब ये वो अस्मा गाती कैसे है, किस तरह गाती है, कहाँ गाती है, कितनी मरतबा गाती है, किस वक्त गाती है और किस लिए गाती है, अगर हम इन चीज़ों का जवाब दे पाएँ तो ये सारे जो चीज़ें जवाब दे पाएंगी, जैसे मैंने कहा कि ये जवाब देता है वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, तो इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें डालूंगा जिससे पता चले कि एडवर्ब अच्छी तरह हमें वाजी हो जाए। मैं कहता हूँ अस्मा सिंग्स ब्यूटीफुली, मैं कहता हूँ ब्यूटीफुली, मतलब मैनर क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है कैसे, सडनली, ब्यूटीफुली, इम्पेशेंटली, वरिडली, काफ़ी सारी और चीज़ें लगा सकते हैं आप, अगर किताबों में जाएंगे तो आपको इस तरह की नज़र आएगी। मैनर ऑफ पर एडवर्ब ऑफ मैनर्स, अस्मा सिंग्स ब्यूटीफुली, कहाँ गाती है वो, लेट्स से इन हर रूम, एडवर्ब एक लफ्ज भी हो सकता है और सेट ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, देखिए ना, इन हर रूम ये पूरा एक सेट ऑफ वर्ड है, तीन लफ्जों का, इसमें प्रपोजिशन भी आ रहा है, ये प्रोनाउन भी आ रहा है और रूम भी आ रहा है, नाउन आ रहा है, लेकिन एक प्रपोजिशन, एक प्रोनाउन और एक नाउन मिलके ये प्लेस शो कर रहे हैं, जो कि इसका फंक्शन जहाँ पर एज एन एडवर्ब आ रहा है, किसका एडवर्ब, सिंग्स के लिए, अस्मा सिंग्स, राइट। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, कब कब गाती है, रोजाना गाती है, वीकली गाती है, मंथली गाती है, हर घंटे बाद गाती है, राइट, कितनी मरतबा गाती है, फ्रीक्वेंसी जो है उसको भी हम कहेंगे ये। मैं कहता हूँ एवरीडे, उसको भी हम एडवर्ब कहेंगे, अस्मा सिंग्स ब्यूटीफुली इन हर रूम, राइट, एवरीडे, किस वक्त, लेट्स से मैं कहता हूँ इन द मॉर्निंग, अस्मा सिंग्स ब्यूटीफुली इन हर रूम एवरी डे इन द मॉर्निंग, किस लिए, फॉर व्हाट, व्हाई, किस लिए गाती है वो, तो व्हाई का जो जवाब दे रहा है वो भी एडवर्ब है, टू चेरिश, हरसेल्फ, अस्मा सिंग्स Beautifully in her room every day in the morning to cherish herself. पांच चीज़ों को मैंने as an adverb use किया है, और frequency में आपको आएगा every day, every now and then, और उसके अलावा चीज़ें जो आएंगी yes, no, not, never, now, ये भी आपकी adverbs में आएंगे, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
राइट, ये भी आपके एडवर्ब में आएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें एडवर्ब के अंदर फॉल करती हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि एडवर्ब जो है वो आपके वर्ब की वजाहत करता है, वर्ब के अंदर मानी ऐड करता है, मज़ीद क्लियर होके आता है। वंस अगेन मैं एडवर्ब्स के बारे में बताऊँगा कि ये एट ए टाइम एक वर्ब एज एन एडवर्ब भी हो सकता है, एक एडवर्ब एज एन एडवर्ब यूज़ हो सकता है, एक एडजेक्टिव एज एन एडवर्ब यूज़ हो सकता है, एक नाउन एडवर्ब के तौर पर यूज़ हो सकता है। तो रादर टू से द नेम्स ऑफ द थिंग्स, के वर्ड्स के हम नेम लें या टेक टैग करें कि ये इसको ये कहते हैं, इट इज़ रादर अ फंक्शन ऑफ द वर्ब। तो हम जो भी वर्ड जहाँ लगा है उसमें उसका देखेंगे वो उसकी प्लेसमेंट कौन सी है और उस प्लेस पर वो काम क्या कर रहा है। तो काम के हिसाब से देखा, अगर वो एडवर्ब का काम कर रहा है तो हम उसे एडवर्ब कहेंगे, भले वो इटसेल्फ एक नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो और प्रपोजिशन हो, कुछ भी। इसमें काफ़ी सारी अपनी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। लेकिन चूँकि अभी हम फाउंडेशन का कोर्स कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी इस वक्त इस लेवल पर। सिर्फ मकसद ये था कि आपको चीज़ों की आपको रोशनास कराया जाए, आपको मुतारफ़ करवाया जाए कि इन चीज़ों को क्या क्या कहते हैं और इनको टाइप्स की मेजर मोटे मोटे अल्फाज में हम उसे कैसे बयान कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप एडवर्ब को काफ़ी हद तक समझ पाए होंगे। अगली वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को मुकम्मल करेंगे, फिर इनकी एप्लीकेशन करके आहिस्ता आहिस्ता हम कॉमन लेवल की राइटिंग हम करने के काबिल होंगे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।